हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आज आपको एसीबी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा एसीबी है और हमारा एसीबी का आज का पहला क्वेश्चन है, एसीबी क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो एसीबी जो हमारा होता है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है और ये हमारे एलटी पैनल में प्रयोग होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको एसीबी क्यों कहा जाता है। तो इसको जो कॉन्टैक्ट लगते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट लगते हैं वो एयर में लगते हैं और इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और तीसरा हमारा सवाल है, एसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एसीबी का प्रयोग हम एलटी पैनल में 440 वोल्ट के लिए करते हैं। और हमारा चौथा सवाल है, एसीबी कितने एम्पियर में और कितने एम्पियर तक होती है, कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक होती है। तो हमारा एसीबी 400 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर तक होते हैं। और हमारा पांचवा सवाल है, एसीबी कितने तरह के होते हैं। तो हमारे एसीबी दो तरह के होते हैं, पहला ईडीओ और दूसरा एमडीओ। और ईडीओ को हम इलेक्ट्रिक ड्रा आउट भी बोलते हैं और एमडीओ को मैनुअल ड्रा आउट भी बोलते हैं। और हमारा एसीबी ऑफ टाइप, एसीबी दो टाइप के होते हैं, जो इलेक्ट्रिक ड्रा आउट और मैनुअल ड्रा आउट, जिसको ईडीओ और एमडीओ के नाम से भी जाना जाता है। जो ईडीओ होता है, ईडीओ में स्पिन को चार्ज मोटर द्वारा किया जाता है। जो ईडीओ में होता है, स्पिन को चार्ज मोटर के द्वारा किया जाता है, हाथों के भी द्वारा किया जा सकता है, पर मैनुअल में ऐसा नहीं होता है। जो मैनुअल ड्रा आउट होता है, उसमें हम सिर्फ हाथों के द्वारा ही चार्ज किया स्पिन को चार्ज कर सकते हैं। और एसीबी के कुछ पार्ट हैं जो हम आपके सामने यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारा पहला है प्रोटेक्शन कंट्रोल यूनिट, जो ऐसा दिखता है। और हमारा जो दूसरा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग ड्राइव, वो आपका ऐसा दिखता है। जो दूसरे नंबर पे है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग ड्राइव है। और तीसरे नंबर पे जो है एक्चुअली कॉन्टैक्ट, वो हमारे तीसरे नंबर पे दिखेगा। इसमें तीसरे एपीए जो है यहाँ है। और अंडर वोल्टेज रिले है और अंडर वोल्टेज रिले कंट्रोल कॉन्टैक्टर है और क्लोजिंग रिले है। और छठवां संट रिले है और आठवां रेडी टू क्लोज। और आठवां जो है सेकेंडरी आइलो से कॉन्टैक्टर ऑन ब्रेकर है। दसवां जो है हमारा ऑपरेटिंग कॉन्टैक्टर है। और बारहवां जो ऑन ऑफ इंडिकेटर है। और तेरहवां जो स्पिन स्टेट इंडिकेटर है। चौदहवां चार्जिंग हैंडल है। और 21 ARC क्यूट है। और 24 भी जो होता है लिफ्टिंग लोकेशन ऑफ ब्रेकर है। और 33 प्रोजेक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ब्रेकर ऑफ क्रेबल है। हमारे एसीबी की कुछ सेफ्टियाँ होती हैं, जो पहला होता है संट रिले, और दूसरा होता है क्लोजिंग रिले, और तीसरा होता है अंडर वोल्टेज रिले, और चौथा होता है ए आर सी सट कट है कट ARC आर्चूर जिसको बोलते हैं। पहला संट रिले है। संट रिले जो होते हैं हमारे ऐसे दिखते हैं। जो संट रिले का काम होता है, और संट रिले का काम होता है फॉल्ट को जाने और सप्लाई को बंद करने का काम करता है संट रिले। और जब इसको किसी अन्य रिले द्वारा निर्देश मिलता है, तो यह एक्टिवेट हो जाती है और लीवर को दबा देती है, जिससे एसीबी बंद हो जाती है। क्लोजिंग रिले जो होती है हमारी ऐसी दिखती है। क्लोजिंग रिले के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। इस रिले का काम मुख्य रूप से ब्रेकर को हेल्दी कंडीशन पर ऑन कराना होता है। अगर कोई फॉल्ट होता है, तो यह ब्रेकर को
ऑन नहीं होने देती है। हमारी तीसरी है अंडर वोल्टेज रिले, जो कुछ इस तरह से दिखती है। जब वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज से नीचे चली जाती है तो यह सिस्टम को ट्रिप करवा देती है। और सभी रिले एसीबी से मैकेनिकल तरीके से मैग्नीजम को दबाकर काम करती है। हमारा चौथा है आर्चूर, जो कुछ इस तरह से दिखता है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं तो इसमें एआरसी उत्पन्न होती है, वह आग उत्पन्न होती है। यह उस आग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और एसीबी में आग लगने से बचाता है। मेरी अगली वीडियो एसीबी सर्विस और इसकी टेस्टिंग के बारे में देखना ना भूलें। कृपया धन्यवाद, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। बंद करो यार, बंद करो पहले।